दोस्तों कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस की रात्रि से हमको एक विशेष प्रकार का किस तरीके का दीप जलाना होता है, जिससे कि आपके परिवार में किसी भी तरीके का भय और खतरा न रहे और आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पांच पर्वों की दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी तथा भगवान कुबेर की विशेष तरीके से पूजा और अर्चना की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली के पर्व वाले दिन दीपों को विशेष ज़्यादा महत्व दिया गया है। धनतेरस से ही दीपों का जलना शुरू हो जाता है और दिवाली के दिन पूरे घर को दीपकों से सजाया जाता है। दीपक की बात करें तो भगवान के लिए, गुरुओं के लिए और पितरों के लिए सभी के लिए दीपदान किया जाता है, सभी के लिए दीपक जलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, धनतेरस की रात्रि से भाई दूज की रात्रि तक एक विशेष प्रकार का दीपक जलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस की रात्रि से भाई दूज की रात्रि तक एक विशेष प्रकार का भगवान यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, जिससे कि भगवान यमराज की दृष्टि कभी भी आपके परिवार पे न पड़े। किसी भी परिवार में अकाल काल मृत्यु न हो तो भगवान यमराज से प्रार्थना करने के लिए यह दीप जलाया जाता है। और दोस्तों पूरे वर्ष में बस यहीं पे यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। दोस्तों यह दीपक एक विशेष प्रकार का दीपक होता है, ये चार मुखों वाला दीपक होता है। तो यमराज के लिए धनतेरस की रात्रि से विशेष प्रकार का दीपक किस तरीके से जलाया जाता है, इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं पूर्ण विधि विधान के साथ आपको बताऊँगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और मैं जल्दी अब आपके लिए उस वीडियो को लेके आने वाली हूँ। तो चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।